अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़ा कढ़ी। आप लोगों को भी पता है पकौड़ा कढ़ी किस तरह से बनती है, लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं। आप लोग प्याज की भजिया बनाते होंगे, लेकिन लंबे स्लाइसेस में, मैं लेकिन ये बारीक स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पकौड़ा कढ़ी बनाने में हमें क्या क्या सामान लगेगा। सबसे पहले मैं पकौड़ा बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने 5 प्याज ली जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर ली इस आकार में, आप भी अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। और ये मैंने 6-7 मिर्चें ली हूँ, हरी मिर्चें, जो कि मैंने गोल आकार में इसी के अंदर बारीक बारीक कट करके डाल दी हूँ। और इसके अंदर मैंने कोथमीर और पुदीना भी मिक्स कर दी हूँ थोड़ा सा, ताकि हमारी पकौड़े में अच्छी यानी टेस्ट आए। और नमक थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमको कढ़ी में भी डालना रहेगा। इसलिए ये हमारा पकौड़े का सामान हो गया। अब हम कढ़ी का आपको बता देते हैं कढ़ी में हमें क्या क्या सामान लगेगा। ये मैंने ड्राई मसाला ली, ये 2 चम्मच है धनिया पाउडर है, और ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, और नमक टेस्ट के हिसाब से है। और ये हमने दही लिए, दही 1 कटोरी है जो हमें कढ़ी बनाने के लिए लगेगी। और ये हमारा बेसन है, बेसन मैंने 1 कटोरी भर के पूरा ली हूँ। ये आधा हमारा पकौड़े में हो जाएगा और आधा हमारा जो है कढ़ी में जाएगा। और ये मैंने मसाले का पूरा पेस्ट लिए, ये अदरक लहसुन मिर्ची और प्याज का पूरा पेस्ट है, ये हमने 1 कटोरी भर के लिए है। और ये हमने भगाने के लिए सामान लिए वो मैं आपको बता देती हूँ, ये जीरा है, और ये लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता, और ये हिंग, ये हमारे भगार में जाएगा यानी तड़के में जाएगा। और ये हमारी कसूरी मेथी हमने 1 कटोरी लिए है, छोटी 1 कटोरी, जब हम कढ़ी बनाने के लिए रखेंगे तब हमें ये सबसे पहले डालना रहेगा। और ये खाने का सोडा जो अभी हमें भजे में बनने के लिए रखेगा। अब मैं आपको उसको मैरिनेट करने का यानी भजिया बनाने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह से बनाना है। देखिए गाइस, हम जा रहे हैं यानी भजिया बनाने के लिए। इसमें हम पानी वानी कुछ भी नहीं डालेंगे, पहले हम जो नमक डाले थे उसको अच्छे से पूरा मिला देंगे। फिर ये जो हमारा जो खाने का सोडा है उसको पूरा नहीं डालना है, उसको सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है, ताकि हमारी जो भजी है अच्छे से फूल जाए। ये हो गया, ये होने के बाद हम इसके अंदर बेसन जो है ऐड कर देंगे। बेसन ऐड करके हम जैसा पकौड़ा बनाते हैं यानी भजिया बनाते हैं प्याज की, सेम ऐसे ही हमें ये डो बनाना है यानी बैटर बनाना है। बैटर बना के फिर मैं आपको भजिया बना के बताती हूँ कि किस तरह से भजिया बनाना रहेगा। ये हमारा हो गया, अब मैं इसको मिला दूंगी और मिक्स करके हमने कढ़ाई में ऑलरेडी तेल रख दिए हैं, ताकि हम फटाफट करते जाएँ। ये हमारा बैटर गीला होना नहीं चाहिए, ये ड्राई रहेगा तभी हमें हमारे पकौड़े अच्छे क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे यानी कड़क बनेंगे, नरम भजिया नहीं बनाना हमें। ये हमारा ये हो गया है, अब मैं इसको फ्राई करके आपको निकाल के बताती हूँ हमने किस तरह से। देखिए गाइस, ये हमारा बैटर रेडी हो गया है, अब मैं इसकी पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। और इसकी पकौड़ी छोटी छोटी बनाना है, बड़ी बड़ी नहीं बनाना है। देखिए, हम इतना तले के इसको डालते जाएंगे। हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया था, इसी तरीके से हम जितने भी पकौड़ियाँ हैं सब पूरा बना कर रेडी कर लेंगे। फिर बाद में हम हमारी कढ़ी जब बनाएंगे तो भगाने से पहले हम इसमें जो पकौड़ियाँ हैं वो ऐड कर देंगे। ये कढ़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में, आप लोग भी एक बार अपने घर पे बनाइएगा इस तरीके से। इसी तरीके से हम सब भजिया भी रेडी कर लेंगे। देखिए गाइस, ये हमारे पकौड़े बन के माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं कढ़ी बनाने की तैयारी करने के लिए। कढ़ी किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमारे पकौड़े भी अच्छे खासे कड़क कड़क बन गए हैं। अब कढ़ी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैंने एक पतीली ले ली, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ उसके हिसाब से मैं पतीली ली हूँ, क्योंकि वैसे भी पकौड़ी फूल की और भी हो जाती थोड़ा। तो ये अभी मैं देखो पतीली में तेल डाल दी थी, तेल डाल के मैं थोड़ा सा उसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी अभी भगार में भी चाहिए रहेगा। ये मैंने कर दी, अब इसके बाद मैं कसूरी मिर्ची थोड़ा ऐड कर रही इसके अंदर, आप चाहे तो भगार में भी डाल सकते हैं, मैं पहले डाल रही हूँ ताकि हमारी कढ़ी में अच्छा टेस्ट आए इससे। ये हो गया, ये होने के बाद हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे, जो हमें मसाला पीसे थे वो सारा मसाला इसमें हम ऐड करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा कसूरी मेथी देख लेंगे ये अच्छी वो हो गई कि नहीं। हाँ, कसूरी मेथी हमारी हो गई है। अब ये जो हमने मसाला जो बनाए थे वो हम पूरा के पूरा ही इसमें ऐड कर देंगे। धीमी आंच पे कभी भी रखिएगा जब कसूरी मेथी डाली है, क्योंकि कसूरी मेथी जल्दी जल जाती है। ये हो गया, ये होने के बाद जब हमारा मसाला अच्छे से जब पूरा भून जाएगा, अभी इसके अंदर जो मैंने जो ड्राई मसाले ली थी ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और हाँ, जो गरम मसाले जो है हम हमारी कढ़ी बनने के बाद हम डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि गरम मसाले पहले डालने पर है ना मसाला पूरा उसका जो गरम मसाले का जो रहता है सब जल जाता है। इसलिए कभी भी जब हमारा खाना बन जाए यानी सालन रेडी हो जाए, जब लास्ट में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रह जाए, तब गरम मसाला कभी भी ऐड करना चाहिए, तो उससे क्या खाने की खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। ये हम रख दिए मसाला भूनने के लिए, अभी जब तक अच्छा अच्छा तेल ना छोड़ दे
तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। गाइस जो कढ़ी में हमें जो बैटर डालना है जो बेसन का, उसके लिए देखो हमें क्या करना है, ये जो बेसन हमने जो लिए बचाए थे जो पहले, वो हमें पूरा इसके अंदर डाल देना है। एक बॉल में हमने अच्छे से डाल दिया इसको। डालने के बाद जो ये हमारा जो दही था, दही भी हम इसके अंदर पहले डाल के अच्छे से पूरा फेंट लेंगे, बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पहले पानी नहीं ऐड करना है। ये अच्छे से पूरा फेंट लेंगे और अच्छा गाढ़ा, आपको जैसा चाहिए पतला या कैसा भी आप वैसा थिक बैटर बना सकते हैं। ये देखो हमने इसको मिला दिए अच्छे से, ये हमारी दही इसके अंदर मिल गई है। हाँ, अगर खट्टे के लिए आप चाहे तो खटाई या कुछ भी जैसा आपके पास हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। हाँ, इमली भी अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग डालते हैं, बाकी लोग नहीं डालते हैं, हम नहीं डालते, हम सिर्फ दही डालते हैं ताकि हमारा जो कढ़ी थोड़ा अच्छी खट्टी और थोड़ी टेस्टी बने, यानी स्पाइसी बने। ये हमारा हो गया है, दही मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। देखिए ये पानी ऐड करके एक अच्छा पतला घोल बना लेंगे, ताकि जब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। इसी तरीके से घोल बनाना है। इसमें मैं और पानी ऐड कर ले रही हूँ। अब इसको घोल बना के हम थोड़ा सा रख देंगे, ताकि ये जो हमारे अंदर जो गुठलियाँ जो बनी है वो भी थोड़ी मेल्ट हो जाए उसके अंदर, और उसको रख देंगे। जब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे हम। देखिए गाइस, हमारा मसाला भून कर रेडी हो गया है। देखिए पूरा तेल अच्छे से छोड़ दिया है, जैसे हमें चाहिए था, ये हो गया है। अब हम थोड़ा गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो करेंगे, और स्लो करके जो हमने बेसन और दही का जो घोल बनाए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पूरा, और उसमें जो पानी जो है और भी इसमें ऐड कर देंगे। और हाँ, पानी बार बार नहीं डालना है, एक ही बार में डालना है, जितना आपको ठीक या पतली ग्रेवी चाहिए उतना ये हमने डाले। डालने के बाद इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो ये जो हमारे जो इसके अंदर जो बेसन की जाए गुठलियाँ बन जाएगी, तो हमारा जो कढ़ी अच्छा नहीं बनेगा। उसको अच्छे से चलाते जाएंगे। हमें देखो इतना ही गाढ़ा चाहिए, अगर आपको जैसा और भी चाहिए गाढ़ा या पतला, तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। और इस टाइम पे अभी कुछ नहीं डालना है, जब हमारी कढ़ी अच्छे से पूरी बॉइल हो जाएगी, यानी पूरी उबल जाएगी अच्छे से, पूरा पक जाएगी, तब उसके ऊपर जब हमें फिर बाद में ये भजी ऐड करना है। लेकिन अभी हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे से पकने के लिए, ताकि जो हमारा जो बेसन है इसके अंदर वो कच्चा ना रहे, वो अच्छे से पूरा बन जाए। अब इसको हम ऐसे छोड़ देंगे और ये पकता रहेगा जब। और हाँ, इसके अंदर मैंने थोड़ा टेस्ट के लिए मैंने इसके अंदर 2 मैंने टमाटर ऐड करी हूँ, आप भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा खटासपन के लिए थोड़ा मैंने ऐड करी थी इसके अंदर, आप भी अपने तरीके से इसी तरह से बनाइए। और हाँ, ये मैं अभी थोड़ा उसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि ये हमारा जो कढ़ी है थोड़ा गाढ़ा होता है। देखिए गाइस, ये हमारी कढ़ी बन के रेडी हो गई जिस तरह से हमें चाहिए था। अब इसके अंदर हम जो हमारी जो भजी है वो ऐड कर देंगे। ये सारे भजी हम इसके अंदर डाल देंगे, और यही टाइम पे हमें गरम मसाला ऐड करना है। जब हम भजी ऐड करेंगे तभी हमें इसमें गरम मसाला ऐड करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि हमारी भजी भी अच्छे से ये कढ़ी में अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब ये हो गया, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करते हैं, 1/2 चम्मच। ये हमने गरम मसाला भी ऐड कर दिया इसके अंदर, 1/2 चम्मच, और बाकी इसमें कुछ नहीं डालना है। और बाद में हम इसको अभी इसका तड़का लगा देंगे, यानी भगाड़ दे देंगे। भगाड़ के लिए अभी पहले हम इसको 10 मिनट बनने देंगे, अच्छे से पकने देंगे। पकने के बाद हम आपको तड़का कैसा लगाना है वो भी दिखा देते हैं। देखिए गाइस, अब हम जा रहे हैं हमारी जो कढ़ी का भगाड़ करने, यानी इसको तड़का लगाने के लिए। तड़का लगाने के लिए मैंने एक तड़के की वाटी में तेल डाल दी हूँ। तेल हमारा थोड़ा अच्छे से थोड़ा गर्म हो जाए, तो उसके बाद मैं ये जो हमारे जो तड़के का जो सामान था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसके अंदर मैंने अभी थोड़ा सा राई भी ऐड करी, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। राई से क्या थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने थोड़ा राई इसके अंदर ऐड करी हूँ। अभी हमारा तेल हुआ नहीं है, जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ये जो भगाड़ का सामान इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ये देखिए, हमारी कढ़ी वैसे ही तो माशाल्लाह रेडी हो गई है। मैंने कोथमीर वगैरह गार्निश कर दी इसके अंदर, खाली मेरे को इसके अंदर अभी सिर्फ तड़का लगाना है। बाकी मैं प्रेजेंटेशन करके मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये दिखा देती हूँ आपको तड़के का। गाइस, ये मैंने इसमें ऐड कर दी थी जो हमारा कोथमीर वगैरह, सॉरी हमारा जो कड़ी पत्ता और जो था, ये हमारा ऐड हो गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। हींग डाल के फौरन हम उसको तड़का दे देंगे। ये सब हमारा हो गया है, हम इसको
देंगे अच्छे से और अब मैं आपको उसकी प्लेट। गाइस हमारी पकौड़ा कड़ी बनके रेडी हो गई। आप भी अपने घर में सेम इसी मेथड से बनाइए। ये मैंने थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बनाई थी इसलिए मैंने ज्यादा मसाला ली थी, आप थोड़ा कम मसाला लीजिए। हाँ ज्यादा बना रहे हो तो ज्यादा मसाला लीजिएगा। और पकौड़े की जिस तरह आपको जैसे रखना है, अगर लंबे स्लाइसेस में तो लंबे स्लाइसेस में भी रख सकते हैं, या तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। बाकी हमारी सिंधी कड़ी बनके रेडी हो गई है। आपने आप भी अपने घर पे इसी तरह से बनाइए और बना के प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह आपकी दुआ में याद रखिए।